सो हे गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज युवराज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बात करने वाला हूँ मैं मारुति सुजुकी अल्टो के बारे में, जो कि टॉप सेलिंग कार है। अब अगर बात करें सो प्राइस रेंज शुरू थी 2.40 लाख से, तो टॉप मॉडल जाता है इसका 4.54 लाख तक। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अल्टो का टॉप मॉडल खरीदना वर्थ है। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये है अल्टो का VXi वेरिएंट, जो कि जिसकी ऑन रोड प्राइस है 4.39 लाख। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अब अल्टो में ऐड कर दिया गया है VXi प्लस वेरिएंट में। जब ये कार को परचेज करी थी, जब ये टॉप मॉडल हुआ करता था, उसके बाद में अपडेट वेरिएंट्स अपडेट करके VXi प्लस में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐड करा है। सो एज यू कैन सी, जो ये VXi वेरिएंट है, यहाँ पे आपको 2D वाला सिस्टम मिल जाएगा, ब्लूटूथ वाला, जिसमें अपना फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, और USB पोर्ट मिल जाएगा, ऑक्स पोर्ट मिल जाएगा, एंड कलर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको ऑल द वे सारे वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। अब जो टॉप मॉडल वाला है, उसमें आप थोड़ी सी क्रोम गार्निश देखने को मिल जाएगी, इंटरनली एडजस्टेबल ओआरविम्स मिल जाएंगे, यहाँ पे सिल्वर गार्निश देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में टॉप 5 कारण की बात करने वाला हूँ कि अगर आप अल्टो का टॉप मॉडल लेते तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर 5 लाख इन्वेस्ट करें तो 5 लाख में आपको टाटा टियागो का बेस वेरिएंट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बड़ा इंजन मिलेगा, ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी और अल्टो से ज़्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी। सो जो पहला रीज़न है वो है स्पेस। यहाँ पर जो सीट है मेरी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। सो एज यू कैन सी, मेरी जो नी है वगैरह टकरा नहीं रही है, और ऑल द वे सीट पीछे है। सो ये मेरे कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। और अगर वहीं पीछे की स्पेस चेक करें, सो अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो पीछे बैठने में, पीछे वाले पैसेंजर को बैठने में दिक्कत होगी ही होगी। सो कैन सी यहाँ पे मेरे पाँव जो है आ नहीं पा रहे हैं। सो स्पेस एक बड़ा कंसर्न है। और जो दूसरा मुझे पॉइंट लगता है कि अगर 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार मिलनी चाहिए। वहीं सच्चाई वाली बात है, बुरा मानने वाली बात नहीं, जितने भी मारुति सुजुकी के ओनर्स देख रहे हैं, अल्टो के ओनर्स देख रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी कार की 5 लाख के हिसाब से लो है। मैंने इसका जो अल्टो का बेस वेरिएंट है वो भी रिव्यू करा, सो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी उसकी। सो जो उस प्राइस पॉइंट पे जो कार है वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील लगती है। सो दूसरा पॉइंट हो गया इसकी बिल्ड क्वालिटी। जो तीसरे पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा, इसके टायर्स। सो अगर टायर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अल्टो में आपको 12 इंचर्स के टायर मिलेंगे, और वहीं अगर आप दूसरे वेरिएंट्स के जो एंट्री लेवल वाला सेक्शन है, रेडिगो में जाएंगे, क्विड में जाएंगे, आपको 14 इंचर्स टायर्स मिलेंगे। और अगर टाटा टियागो के बेस वेरिएंट के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको 14 इंच के टायर मिलेंगे। सो तीसरा पॉइंट हो गया इसके टायर। जल्दी से फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो जो मैं फोर्थ पॉइंट बोल रहा था वो है इसका इंजन की पिकअप की बात करें तो 5 लाख करीबन 4.50 लाख अगर हम टॉप मॉडल में अल्टो के इन्वेस्ट करते हैं। सो पिकअप कहीं ना कहीं मुझे कार का जो है कम लगता है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो है इसका पिकअप। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लच छोड़ा कम रेस दे के सो यहाँ पे गाड़ी बंद हो चुकी है। सो ये चीज़ जो नए ड्राइवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और वहीं अगर हम मारुति सुजुकी इग्निस के बेस वेरिएंट के लिए जाएंगे या टाटा टियागो के बेस वेरिएंट के लिए जाएंगे तो वहीं आपको बड़ा इंजन मिलेगा। सो जो ये वाली प्रॉब्लम है कि फर्स्ट गियर में जब हम क्लच छोड़ते हैं गाड़ी बंद हो जाती है, सो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कार का जो म्यूज़िक सिस्टम है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो VXi में 2D जो म्यूज़िक सिस्टम दे रहे हैं कार में, और वहीं उन्होंने एक वेरिएंट बढ़ा दिया है सिर्फ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देने के लिए, उसके उन्होंने 14,000 to 15,000 इंक्रीज़ कर दिए कार के। सो वही चीज़ अगर मारुति VXi में देती, अल्टो VXi वेरिएंट में देती, सो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती। सो जो इससे नीचे वाले वेरिएंट भी अगर कोई परचेस करता है और उसको म्यूजिक सिस्टम मिलता है 2D ब्लूटूथ वाला, सो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। सो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आप 4 लाख से 5 लाख के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अल्टो का जो टॉप मॉडल है वो ओवर प्राइस लगता है, और वहीं अगर हम बेस वेरिएंट के लिए जाते हैं, बेस से ऊपर वाले वेरिएंट के लिए जाते हैं, सो वो ठीक ठाक रहता है, वैल्यू फॉर मनी रहता है अगर हम कार परचेस करके बाहर से भी एसेसरीज कार में इंस्टॉल करवाते हैं, सो वो बुरी डील नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम
दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर कोई फैमिली पहली बार कार परचेज कर रही है एंड दे वांट कि भाई कार बिल्कुल अनटच्ड होनी चाहिए, बाहर कोई भी किसी ने भी कार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सो वो प्रेफर करते हैं कि शोरूम से जितनी भी चीज़ें लगी हुई आ जाए, उन पे सब भरोसा करते हैं। सो उस हिसाब से अगर स्मॉल फैमिली के लिए देखें, तीन जनों के लोगों के हिसाब से देखें, सो कार में ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें सारी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, डुअल एयरबैग्स मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, ABS एंड EBD जो कि अभी स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। जो आने वाली न्यूज़ है जनवरी के बाद 2021 में, जितनी भी कार मैन्युफैक्चर होगी उनमें डुअल एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं। सो ये थे इसके जो डुअल एयरबैग वाला एक मुझे प्लस पॉइंट लगता था कि भाई अपन को जो है टॉप मॉडल में डुअल एयरबैग्स मिलते हैं। अदर देन दैट अल्टो का बेस वेरिएंट खरीदना मतलब ठीक रहता है। सो कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो कि व्हाट यू प्रेफर, टॉप मॉडल अल्टो और बेस मॉडल अल्टो। सो यहाँ पे जो मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, जो मेरा कजिन ब्रदर है, सो ये मेरे बड़े पापा की कार है, तो बता भाई अगर टॉप मॉडल कार खरीदी है अल्टो की, जो अल्टो का टॉप मॉडल है, वो अच्छा है कि अगर अपन 5 लाख लगा ही रहे हैं तो बड़ी कार का बेस वेरिएंट ले लें? मेरे ख्याल से तो जो अल्टो की जब यही कार है वो ज्यादा अच्छी, क्योंकि अल्टो को देखा जाए तो अल्टो जो है टॉप सेलिंग कार है। अब टॉप सेलिंग कार क्यों है, क्योंकि इसके जो ये 5 पॉइंट अपन ने बोले इससे कई गुना ज्यादा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि एक तो इसकी वैल्यू फॉर मनी, ब्रांड वैल्यू, इसकी सर्विस कॉस्ट कम है, इसका माइलेज अच्छा है। तो यहाँ पे एक और ही अल्टो, पुरानी वाली अल्टो है जिसमें अल्टो 800 लिखा हुआ है। वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है कोई भी ऑफेंड मत होना, जस्ट ये शेयर करना था मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई अगर टॉप मॉडल खरीदे तो सो यू कैन ऑल्सो प्रेफर द बिग कार जो कि अपने बेस वेरिएंट वाले हैं, इग्निस हो गई, टाटा टियागो हो गई, और वहीं अगर अपन क्विड और रेडी गो के टॉप मॉडल्स के लिए भी जाते हैं सो कहीं ना कहीं अल्टो से ज़्यादा उसमें फीचर्स मिल रहे हैं, अल्टो से ज़्यादा उसमें स्पेस मिल रही, रेडी गो जो है टॉल बॉय डिज़ाइन उसमें मिल जाती है। और सो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग।